स्टूडेंट्स वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। सो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो में लिए गए मॉक टेस्ट की। इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में हमने मॉक टेस्ट लिया था आपका इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का, उसकी आंसर की आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। मैं आपको बता दूं, ये इकलौता चैनल है पूरे यूट्यूब में, यूट्यूब पर, जो आपको तीन लैंग्वेजेस पंजाबी हिंदी और इंग्लिश में टीच कर रहा है। और सिर्फ एक कोर्स नहीं, यहाँ पर आप यूजीसी नेट सेट इंग्लिश, मास्टर कैडर इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और बेसिक ग्रामर का कोर्स भी कर सकते हो। और ये सभी लेवल हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी कोर्स के नोट्स चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि आप हमसे कैसे कर सकते हो। सिंपली आप हमें ईमेल कर सकते हो, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट की आंसर की। हमारा पहला सेंटेंस है जो हमारा वो क्या है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, अमर शोनल बंगला। किसने लिखा है बांग्लादेश का, ये मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर इकलौते ऐसे पर्सन है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो देशों के नेशनल एंथम लिखा। इंडिया का नेशनल एंथम तो लिखा ही है, इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, इन विच ईयर जनरलपीठ अवार्ड वाज अवार्डेड टू अमिताभ घोष। अमिताभ घोष को कब जनरलपीठ अवार्ड दिया गया, कब दिया गया बताओ मुझे। ये दिया गया 2018 में ये दिया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ शेडो लाइंस। शेडो लाइंस यूजीसी नेट और मास्टर कैडर इंग्लिश के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडियन राइटर द्वारा लिखा गया है और जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसमें क्या क्या, इसमें हमें इंडिपेंडेंस की बात की गई है, कैसे इंडिपेंडेंस से बाउंड्रीज बन गई, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसे आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। लिखा किसने है ये, ये लिखा है नन अदर देन अमिताभ घोष ने। ओके, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ कुली। कुली अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है, सॉरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। किसने लिखा है, ये लिखा है मुल्खराज आनंद ने लिखा है। मुल्खराज आनंद ने द कुली लिखा है और ये आप ये समझ लो कि मुल्खराज आनंद एक ऐसा राइटर है जिसे ना हम डाउन टू अर्थ लोगों का राइटर बोल सकते हैं। ये जो दबे हुए लोग हैं उनके बारे में लिखता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिफ्थ, इन विच ईयर टैगोर वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। टैगोर इकलौता पर्सन है, जहाँ पहला ऐसा पर्सन है जो नॉन यूरोपियन था और इंडियन था जिसे नोबेल प्राइज मिला। और कब मिला था, 19 का मिला था उसे, 1913 में मिला था। सो 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था और किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु हैज एडिटेड टैगोर्स बुक। गीतांजलि का जो नोबेल प्राइज विनर बुक गीतांजलि था, वो लिखा किसने, सॉरी एडिट किसने किया, एडिट किसने किया था, वो अपने टाइम के फेमस राइटर डब्ल्यू बी ईस्ट ने लिखा था, जो कि एक आयरिश पोइट थे। ठीक है, उसके बाद हुई द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड कौन सा है, लिटरेचर के फील्ड में इंडिया का जो सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है उसे हम बोलते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड। ये सबसे पहले मिला किसे था, किसे मिला था ये सबसे पहले, ये मिला था आर के नारायण को। और उसके बाद है, When did God of Small Things publish, अरुंधति रॉय द्वारा लिखा गया God of Small Things, जिसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हैं। बच्चे बुकर प्राइज इनाम जीतने वाला एक नॉवेल है, ये लिखा कब गया था, कब लिखा गया था, ये लिखा गया था 1997 में। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अवार्डेड शशि देशपांडे विन फॉर दैट लॉन्ग साइलेंस। 1988 में लिखा गया नॉवल That Long Silence, जो कि शशि देशपांडे ने लिखा था, उसे कौन सा अवार्ड मिला, उसे कौन सा अवार्ड मिला, उसे मिला साहित्य अकादमी अवार्ड। ओके, उसके बाद है, इन विच नॉवल अमिताभ घोष डील्स विद जॉनर ऑफ साइंस फिक्शन।
अमिताभ घोष के हम लास्ट नॉवल में हमने बात किया था, क्या था, शैडो लाइंस के बारे में बात किया था। अब उसकी सॉरी अमिताभ घोष के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमिताभ घोष ने एक नॉवल लिखा है जिसमें साइंस फिक्शन की बात की है, मीन साइंस भी है उसमें फिक्शन भी है, वो किस नॉवल नॉवल में है तो बताओ मुझे। फाइनल सॉल्यूशन है रिवर ऑफ स्मोक, कैलकटा क्रोमोसोम या हंग्री टाइड। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कैलकटा क्रोमोसोम। ओके, हु वाज अ फ्रेंड ऑफ ग्राहम ग्रीन। एक इंडियन राइटर है जिनके फ्रेंड ग्राहम ग्रीन थे। और एक बात मैं बता दूं, ग्राहम ग्रीन के कहने पर ही उन्होंने अपना नाम भी थोड़ा सा चेंज किया था। वो कौन थे जो ग्राहम ग्रीन के फ्रेंड थे? वो थे आर के नारायण थे। उसके बाद मुल्कर आनंद का जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ 1905 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, कैसे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट और उनके आंसर की लेकर आता रहूंगा। आपने सिंपली क्या करना है, इन वीडियोस को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो इस वीडियो को, इस चैनल को और ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हाँ कमेंट करना नहीं भूलना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कितने कोर्सेज की स्टडी हो रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के पहले नॉवल का क्या नाम था? इसका नाम था अनटचेबल, जो एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो अनटचेबल है, बट वो कैसे उस अनटचेबिलिटी से ऊपर उठता है। सो बहुत ही ज्यादा बढ़िया नॉवल है। हु वाज द नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज मैगजीन, कौन से उनके मैगजीन का क्या नाम था? मुल्कराज आनंद के, मुल्कराज आनंद के मैगजीन जो उन्होंने स्टार्ट किया था उसका नाम था मार्क। क्या नाम था उसका? मार्क, ठीक है। उसके बाद है पोइट द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, लिखा किसने है, किसने लिखा है ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, किसने लिखा है बताओ जी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। मुझे मालूम है ये सभी को मालूम होगा कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी लिखा गया है नन अदर देन खुशवंत सिंह ने। ये स्टोरी तो हमने हमेशा पढ़ी है, छोटे से बच्चे ने भी ये स्टोरी पढ़ी होगी। उसके बाद अभी चलो, फॉलोइंग वर्क आर नॉट रिटन बाय खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह ने इनमें से कौन सा वर्क नहीं लिखा बताओ जी, कौन सा नॉवल नहीं लिखा? वो नहीं लिखा उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन किसने लिखा था? फाइनल सॉल्यूशन लिखा था, किसने लिखा था? अमिताभ घोष ने। खुशवंत सिंह सैटरडे कॉलम वॉज विद मैलिस टू वॉर्ड्स वन एंड ऑल वर पब्लिश्ड इन विच ऑफ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर, कौन से मैगजीन में खुशवंत सिंह का वर्क मैलिस टू वॉर्ड्स वन एंड ऑल छपा था, किसमें लिखा था, कौन से न्यूज़पेपर में छपा था बताओ जी। ये छपा था द हिंदुस्तान टाइम्स। मैं आपको बता दूं खुशवंत सिंह द हिंदुस्तान टाइम के एडिटर भी रहे थे, ठीक है। कांथापुरा का मेन कैरेक्टर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल आंसर। क्या इसका है? इसका जो मेन कैरेक्टर है मूर्ति है। कभी कभी हमें लगता है कि अछक्का होगा, नहीं अछक्का नहीं है, अछक्का तो एक स्टोरी टेलर थी, इसमें जो विडो है, विडो ब्राह्मण है जो कहानी को बताती है, नरेटर है, बट मूर्ति एक मेन कैरेक्टर है। जैसे पूरी इंडिया में गांधी का नाम था, वैसे ही कांथापुरा विलेज में मूर्ति था, ठीक है। द सर्पेंट एंड रोप बाय राजा राव वाज रिटन इन विच ईयर, कब लिखा गया? जो सर्पेंट एंड रोप लिखा राजा राव ने वो कब लिखा गया था? वो लिखा गया था 1960 में, ठीक है। उसके बाद है हु इज द डॉटर ऑफ अनिता देसाई, अनिता देसाई की बेटी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अनिता देसाई की बेटी का नाम क्या था? उनकी बेटी का नाम था किरण देसाई, ठीक है, किरण देसाई था उनकी बेटी का नाम। उसके बाद हु इज द ऑथर ऑफ क्राई द पीकॉक, क्राई द पीकॉक लिखा किसने? ये लिखा किरण देसाई की मदर अनिता देसाई ने, जो एक फेमस नॉवलिस्ट और राइटर थे। उसके बाद है विच ऑफ अनिता देसाई फर्स्ट वर्क वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, बुकर प्राइज में शॉर्टलिस्ट होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री का प्राइज नहीं होता बुकर प्राइज, ये पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड होता है। सो इसमें शॉर्टलिस्ट होना ही अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। सो क्वेश्चन है कि अनिता देसाई का कौन सा वो पहला वर्क था जिसे बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? वैसे तो
कई वर्क थे उनके, बट फर्स्ट वर्क बताना है हमने, फर्स्ट वर्क वो कौन सा था? वो था द क्लियर लाइट ऑफ डे। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ना कंफ्यूजन क्या होते, कभी कभी ना देखने में हमें लगता है कि क्राई द पीकॉक, क्योंकि वेल नोन है ये क्राई द पीकॉक, हमें लगता पर नहीं, इसमें आंसर है द क्लियर लाइट ऑफ डे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ पोएट्री रिटन बाय सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने, हमने बताने के जो दिए गए वर्क्स हैं उनमें से वो कौन सा ऐसा वॉल्यूम था जिसमें सरोजिनी नायडू ने पोइट्री लिखी। उसके पहले वॉल्यूम का नाम बता रहे हैं हमें कौन सा था, वो था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। मैं आपको बता दूं इसी के बाद ही सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्या बोल सकते हो बुलबुले हिंद का टैग दिया गया। उसके बाद विच ऑफ हर वर्क्स इज एडिटेड बाय सरोजिनी नायडू डॉटर पोथमसली, वो कौन सा वर्क है इनमें दिए गए वर्ड में से जो सरोजिनी नायडू की बेटी ने उसकी डेथ के बाद एडिट किया, वो कौन सा वर्क था? वो कौन सा वर्क था? वो था फीचर ऑफ डॉन। जे मैं आपको बता दूं, जे किया था उन्होंने फीचर ऑफ डॉन 1961 में एडिट किया था उसकी सरोजिनी नायडू की बेटी ने, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वर्क सरोजिनी वांट्स टू कन्वे द मैसेज दैट इंडिया इज रिच इन ट्रेडिशन एंड दे डोंट नीड द फॉरेन प्रोडक्ट्स। सरोजिनी नायडू ने वो कौन से अपने वर्क में ये बात बोली, ये मैसेज दिया कि इंडिया पहले ही बहुत रिच है अपने ट्रेडिशन में, इन्हें इंडिया को किसी और विदेशी कल्चर की, विदेशी प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये किसमें बोला था? ये बोला था उसने अपने वर्क किसमें बोला था? हाँ जी, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। तो ये बाकी वर्क हैं वो तो उसकी पोइट्री के हैं, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो बाकी है द फीदर ऑफ द डॉन, ये तो उसकी पोइट्री की कलेक्शन है। बाकी जो द इन द बाजार ऑफ हैदराबाद है, ये हमारा क्या है, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद एक उसका नॉवल है जिसमें ये बात उन्होंने बोली थी। उसके बाद है विच ऑफ फॉलोइंग राइटर्स रोट द एसे 300 रामायण, किसने लिखा ये 300 रामायण। मैंने आपको बताया था कि 300 रामायण पर तो बहुत ही बड़ी क्या हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, पर ये बताओ कि लिखा किसने था, कंट्रोवर्सी में बताऊंगा पर लिखा किसने था, ये लिखा था अमिताभ घोष ने, ठीक है, अमिताभ घोष ने ये 300 रामायण लिखा था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड पोस्टमसली, इनमें से कौन से वो राइटर हैं, कौन सा वो राइटर है जिसे उनके डेथ होने के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। हाँ जी बताइए कौन सा वो राइटर है जिन्हें उनके मरने के बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, वो थे ए के रामानुजन, ठीक है। उसके बाद है एन ओबिचुरी इज अ पोइम रिटन बाय, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ओबिचुरी पोइम जरूर पढ़े, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, ठीक है। ओबिचुरी पोइम लिखी किसने पहले तो ये बताओ, ओबिचुरी पोइम लिखी किसने, किसने लिखी थी ये बताओ जी, आपने कराए, ये लिखी थी ए के रामानुजन ने। और ओबिचुरी का मतलब होता है विरलाप करना, जैसे किसी की डेथ हुई है उस पर जो कुछ रीति रिवाज होते हैं तो उस पर बेस्ड है ये पोइम। और इस पोइम में ए के रामानुजन ने जो डेड कस्टम्स हैं, जो ख़त्म होने वाले कस्टम्स हैं, जो बहुत ही पुराने हो चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें क्रिटिसाइज किया है। ब्राह्मणिज्म को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज ए के रामानुजन ने इस वर्क में किया है। उसके बाद दांते इज द कैरेक्टर ऑफ विच वर्क, किस वर्क का कैरेक्टर है दांते, तो ये है द सर्कल ऑफ विजन का, ओके द सर्कल ऑफ विजन का है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ए के रामानुजन एसेंशियली कंसिडर्ड, उन्हें कौन सा पोइट माना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उन्हें पोइट ऑफ मेमोरी माना जाता है, क्योंकि जो उनकी पोइट्री है वो खुद बोलते हैं कि मेरी जो मेमोरी है, मेरी जो याददाश्त है, जो मेरे मन में है पास्ट की जो मेमोरीज है, उन पर ही बेस्ड मैं अपने ये आंसर्स लिखता हूँ, उन पर बेस्ड ही मेरी ये जो राइटिंग्स होती है। सो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पर बेस्ड थे। मैं आपको बता दूं, ये सारे राइटर्स जिन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये मास्टर केडर इंग्लिश के सिलेबस में रिकमेंडेड है। सो अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तो आपके लिए पारस जैसी है, आपके लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आपने इन वीडियो को
वह प्रॉपर देखना, दोबारा सुनना है, क्योंकि मैंने आपके साथ डिटेल भी डिस्कस किया, डिटेल भी शेयर की है। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप हमें ईमेल, फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग अवर चैनल विद्या इंग्लिश क्लासेस।